इस तरह की फोटोज आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखी होंगी। अमूमन ये मैनिपुलेटेड तस्वीरें ट्रोल्स पोस्ट करते हैं, बोलचाल की भाषा में जिन्हें ट्रोलर्स भी कह दिया जाता है। हालांकि इस बार ये फोटो किसी सोशल मीडिया ट्रोल ने नहीं बल्कि लोकसभा में चुनकर आई एक माननीय सांसद महोदय ने पोस्ट की है। इन सांसद साहिबा का निर्वाचन क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का मंडी और सांसद महोदया का नाम है कंगना रनौत। फोटो में सिर पर टोपी है, माथे पर चंदन और तिलक, गले में ईसाई धर्म में पवित्र माने जाने वाला क्रॉस साइन का पेंडेंट, काली कमीज पहने ये शख्स कौन है पता नहीं, मगर इनके चेहरे पर मॉर्फिंग करके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चेहरा लगा दिया गया है। ये एकदम साफ है। इसे कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर, अपना जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल हैंडल है वहां पर स्टोरी में शेयर किया है। इंस्टाग्राम स्टोरीज 24 घंटे बाद पब्लिक या फॉलोअर से हटकर अकाउंट के आर्काइव में चली जाती है, बशर्ते कोई बीच में उसे खुद डिलीट ना करे। 3 अगस्त की सुबह लगभग 11:30 बजे कंगना ने यह स्टोरी पोस्ट की थी, जो 4 अगस्त को लगभग इतने ही बजे तक आपको दिखेगी, उसके बाद ये दिखनी बंद हो जाएगी। मगर सोशल मीडिया भी अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल की तरह है, एक बार यहां पर कुछ गया तो फिर हमेशा वही रहता है। अब कंगना की स्टोरी में पोस्ट की गई तस्वीर भी इसी तरह हमेशा इंटरनेट पर रहेगी। ये जानकारी भी सभी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी कि कंगना ने ऐसी कोई तस्वीर पोस्ट की थी। राहुल गांधी की इस मॉफ इमेज को शेयर करके कंगना ने कैप्शन भी लिखा है। कैप्शन में उन्होंने क्या कहा, कहा कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है, इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी तीनों धर्मों के चिन्हों को जोड़कर पोस्ट में जाति पर टिप्पणी की गई है। कंगना ने यह टिप्पणी क्या सोचकर की ये तो कंगना ही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन हाँ इसका रेफरेंस क्या है वो हम आपको जरूर बता सकते हैं। ये तो आप सब पहले से ही जानते होंगे कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के पहले से ही जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहा है। ये मांग चुनाव हो जाने, सरकार बन जाने और संसद की कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद भी जारी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं वो अपनी कुछ प्रमुख बिंदुओं में जाति जनगणना कराने की बात करते हैं। सदन के भाषणों में, सोशल मीडिया के पोस्ट में, जनसंवाद में, हर प्रसंग में, हर परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना राहुल गांधी के वक्तव्य के अहम मुद्दों में जगह पाती है। मगर सरकार भी इस चीज को लेकर राहुल गांधी को काउंटर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अलग अलग तर्क और वाद विवाद से सरकार राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले बयानों को खोखला बताती है। इसी कड़ी में एक बड़ा बयान आया मोदी सरकार के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से। अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, उसी हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट से जहां की मंडी सीट से कंगना रनौत भी सांसद हैं। 30 जुलाई को लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने बजट जो पेश किया गया था उस पर भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी को जातीय जनगणना वाली बात पर घेरा था। क्या कहा था इस वीडियो में सुनिए। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सर, मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। सर, इन बातों को जब राहुल गांधी ने सुना तो उन्होंने स्पीकर से बीच में बोलने की इजाजत मांगी। राहुल ने कहा, मुझे गाली दी गई है स्पीकर सर, मेरी इंसल्ट की गई है, मुझे बोलने दीजिए। फिर राहुल गांधी ने जो कहा वो सुनिए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे स्पीकर सर। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली, मुझ पर गाली दी है, मुझे सब बोले दी सर, मुझे उनको बोले सर, सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जाति पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जो टिप्पणी की थी उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अखिलेश यादव को भी गुस्सा आ गया। वो अपनी सीट से उठे और भड़क कर कहा, जाति कैसे पूछोगे तुम। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए वे। केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम, कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। हालांकि उस वक्त लोकसभा में स्पीकर की सीट पर बैठे जगदम्बिका पाल ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि अगर संसद में किसी की जाति पूछी गई है तो उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। बाद में अनुराग ठाकुर ने अपने पक्ष में कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ। सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। इस भाषण को बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शेयर किया था। उन्होंने एक्स पर भाषण का लिंक पोस्ट करके लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए, तथ्यों और हास्य का एक बेहतरीन मिश्रण जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर कर रहा है। इस पोस्ट के बाद नाराज होकर इस पोस्ट से कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आई। कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को पीएम के नाम ये प्रिविलेज कंप्लेंट सौंपी। राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर लिखा कि जिस भाषण को प्रधानमंत्री ने जरूर सुनने लायक बताया है वो बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक है। इसे शेयर करके प्रधानमंत्री ने संसदीय विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन को प्रोत्साहित किया है। यानी ये विवाद कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, ये एक लंबा और बड़ा विवाद है जिसे लेकर संसद में पीएम के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस भी भेजा जा चुका है। इसी सिलसिले में अब कंगना रनौत की ये पोस्ट सामने आई है। अब ये पोस्ट आगे और किन विवादों को दावत देती है, कोई दावत देती भी है या नहीं, इन सवालों का जवाब आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद, मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।